तो गाइज अभी मौसी सब्जियां काट रही हैं, यहाँ पे साग बन रहा है और आलू छिल रही है। और मौसी को बोलिए इधर छोटे छोटे आलू कौन लेके आता है, बड़े बड़े आलू लेगा तो छिलाएगा। हाय गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो आज है छठ का सेकेंड डे और आज होने वाला है खरना। खरना तो आज जो भी प्रोसेस है वो दोपहर से स्टार्ट होता है, पूरा प्रसाद बनना, उसके बाद मम्मी और मेरी मौसी दोनों लोग फास्ट में हैं, दोनों लोग आज पूरे दिन फास्ट करेंगी और शाम को पूजा करने के बाद फिर प्रसाद के रूप में जो प्रसाद बनेगा वो खाएंगी। तो हम लोग दिखाएंगे क्या 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 प्रसाद बनने वाला, कैसे और कैसे बनता है, क्योंकि यूनिक खीर बनती है जो कि सिर्फ आज के दिन ही बनती, छठ में बनती है, बाकी कभी नहीं बनता ऐसा। तो वो तो जरूर ही दिखाएंगे। और बिहार से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको तो ये जरूर मालूम होगा कि क्या होता है छठ का खरना और कैसे होता है। और गाय जा सबसे बड़ा कष्ट, चाय नहीं पी सकते, दूध का कुछ भी यूज नहीं कर सकते और रोटी भी नहीं खा सकते, पूरे दिन रोटी भी नहीं बनना होता है। तो ये नियम है जो हम लोग आज फॉलो करेंगे। और आज इसका ऑफिस भी है, गाय जी का भी है और जिया जी का भी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑफिस का तैयारी करने और पापा है जो किचन में कुछ कर रहे हैं। तो चलिए पहले आप लोग को दिखाते कि पापा क्या कर रहे हैं। आज पापा को किचन का डिपार्टमेंट दिया गया है, तो अभी पापा कुछ कुछ किचन कर रहे हैं, देखते हैं। तो गाइस यहाँ पापा खाना बना रहे हैं, यहाँ दाल बन रहा है, आज तो चावल बनेगा, रोटी बनेगा नहीं। यहाँ पे बन रहा है करेला का भुजिया, इतना और कटा है, आज पूरा दिन करेला ही खाना है, इतना बन ही गया है। पापा अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, प्याज का यूज नहीं करना है इसलिए अच्छे से पापा फ्राई कर रहे हैं। तो उसके बाद सब्जी भी बनेगा आलू और गोभी का, तो वो भी पापा ही बनाएंगे। और हम चलते हैं रेडी होने ऑफिस के लिए। और ये रहा हमारा 56 भोग गाइस, सीरियसली आज बहुत कुछ बना था। सबसे पहले चावल, ये चने की दाल, धनिया पत्ते की चटनी, आलू सेम की सब्जी, करेले की भुजिया, लाल साग और भिंडी की भुजिया, मतलब लिटरली इट वाज अ फीस्ट टुडे। अ फ्यू आवर्स लेटर यहां बन रहा खीर का तैयारी, यहां हो रहा पिट्ठे की तैयारी। वो चावल खीर में जाएगा, पिट्ठे में जाएगा, मम्मी दूध घोट रहे हैं, दूध हो रहा है इसमें, चावल चलाएगा, खीर बनेगा प्रसाद। आज है खरना से आज खीर बनता है हम लोग, क्या वाटर क्या बनता है, चावल दाल, लेकिन हम लोग क्या खीर पीछा और रोटी बनता है, खीर पिट्ठी रोटी। और मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, और ये पूरा स्पेस धो दिया गया है, अभी इतना दूर सूखना बाकी है, यहीं पे लोगों को प्रसाद दिया जाएगा इसलिए यहाँ पे सब धुला गया है। और यहाँ पिट्ठी बनी बनाई मिट्टी, और यहाँ पे मौसी बना रही थी पिट्ठी जो कि जाता है हमारे गुड़ वाली खीर में। आज की खीर स्पेशल होती है गाइस, आगे रेसिपी भी बता देंगे हम लोग। और आज का ये जो ऊपर का जितना भी था शूट दी और मम्मी मिलके की है, मैं नीचे सारा स्टेज संभाल रही थी, दी ऊपर संभाल रही थी और छोटी दी यानी कांछा दी का ऑफिस था तो वो थी ही नहीं घर पर। तो यही पिट्ठी जो इसका होता है ना खीर का, वो बहुत टेस्टी होता है, मतलब खीर ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। और ये खीर सिर्फ साल में एक बार बनती है, अगर दो बार छठ के तो दो बार, नहीं तो एक बार बस, और किसी दिन नहीं बनती। और फिर उसके बाद मौसी दी को लगा रही थी सिंदूर, छठ पूजा में नाक से सिंदूर लगाई जाती है, जितनी भी औरतें होती हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है, वो हम लोग जैसे अनमैरिड को नहीं, लेकिन जो भी मैरिड होती है उनको नाक से लेके पूरे मांग तक भर के सिंदूर लगाया जाता है। और ये जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है ना वही लगाया जाता है। गाइस हम लोग का चावल ऑलमोस्ट पक ही गया है, फिर हम लोग इसमें गुड़ डालेंगे। तो गुड़ हम लोग ना आग पर नहीं डालेंगे चढ़ावा में, नहीं तो वह फट जाते, इसलिए हम लोग
उतार दिए इसको चूल्हा पर से और अब डाल दिया इसमें गुड़। गलेगा गुड़ का कलर आ जाएगा तब ये हो जाएगा ब्राउन कलर का खीर हमारा, व्हाइट से टर्न हो जाएगा ब्राउन। अभी से हमारा पिट्टी है जो ब्राउन होने लगा कुछ कुछ। इसको अब हमें चढ़ाएंगे नहीं चूल्हा पर? अब नहीं चढ़ेगा, अब बन गया, पूरा हो गया ना। हाँ बन गया। इधर अब रोटी बनेगा हम लोग का, रोटी के लिए है जो कढ़ाई गर्म हुआ, तवा पर नहीं बनता रोटी, इसलिए कढ़ाई गर्म क्या बनता है छठ पूजा का रोटी, क्योंकि उसको फुला नहीं होता है। हम लोग के जो रोटी बनता है उसको फुलाते नहीं हम लोग, बस इस कढ़ाई में सेक करके इसमें घी लगा के फिर प्रसाद में यूज किया जाता है। गाइस यहाँ पे रोटी बन रही है, खीर खीर इज रेडी। कितना कलर आया खील के, और अब यहाँ पे और प्रसाद बनने जा रहा है, कितना में होगा नहीं, यहाँ पे प्रसाद में बनाने जा रही है। ना पूजा की तैयारी स्टार्ट हो गई है, बस अब रोटी बनाना बाकी है।
गाइस फाइनली ये लड़की औरत ऑफिस से घर कितने बजे आई है रुके दिखाते हैं 6:36 सुबह पापा लाने गए इसको तब सलो साबुन की वहां दुकान चलो चेंज करके जल्दी पूछ लो क्या गई ऊपर का वी हैड सम वर्क हमने भी किया।